नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया आपत्ति दर्ज कराने का फॉर्मेट। आज बुलाए गए बिहार बंद को महागठबंधन ने दिया समर्थन। अब धनबल के जरिए वोट जुटाने पर लगेगी रोक। बिहार में मिले कोविड 19 के 1000 से ज्यादा मामले। केएल राहुल के कप्तान बनने पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाया सवाल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब धनबल के जरिए वोट जुटाने पर लगेगी रोक। पंचायत चुनाव के बाद बिहार में जल्द ही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार में तैयारियां जारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो अब तक इस चुनाव को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग सभी दलों की आखिरी चरण में ही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने नई तैयारी कर ली है। धनबल से जीत को रोकने के लिए अब प्रमाण पत्र की जरूरत को खत्म कर दिया जा सकता है। अभी तक इस चुनाव में यह शिकायत आती रही है कि धनबल के जरिए कई मजबूत उम्मीदवार पंचायत प्रतिनिधि से उनकी जीत का प्रमाण पत्र ले लेते हैं। मतदान के दिन मतदाता के साथ उम्मीदवार के करीबी भी जाते हैं और अपने नेता के पक्ष में वो वोट करा लेते हैं। आयोग ने इस पर लगाम लगाने के लिए अब नए तरीके को निकाला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संदली सिन्हा की। संदली सिन्हा एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल है। वो रोमांटिक हिट तुम बिन में पिया के किरदार से काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। वो वायुसेना की पृष्ठभूमि से आती है। उनके पिता की ड्यूटी के दौरान मृत्यु उनकी हो गई थी। उनकी मां ने दिल्ली में संदली समेत 3 बच्चों की परवरिश की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वायु सेना बाल भारती स्कूल से की और जीजस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सिन्हा किशोर नामित कपूर अभिनय संस्थान गई। पायलटों और डॉक्टरों के परिवार में जन्मे सिन्हा डॉक्टर बनने की इच्छुक थी, लेकिन एक शौकिया फैशन शो के एक संक्षिप्त अनुभव ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में स्थानांतरित कर दिया था। आज बुलाए गए बिहार बंद को महागठबंधन ने दिया समर्थन। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में मचे बवाल के बाद आज यानी 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और एफआईआर दर्ज होने से गुस्साए छात्रों ने इस बंद का ऐलान किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षार्थियों की समस्या को लेकर एक जांच कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन अभी तक थमा नहीं है। छात्रों के इस आह्वान को अब और ज्यादा ताकत मिल गई है क्योंकि विपक्षी दलों का संगठन यानी कि महागठबंधन इसके समर्थन में उतर आया है। इसको लेकर बीते दिन गठबंधन के दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है और कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को खतरे में डाल दिया है। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर 550 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस केमिकल माइनिंग फार्मेसी तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी प्रासंगिक अनुशासन में डिग्री डिप्लोमा की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nlcindia.in पर आवेदन कर सकते हैं। मिले कोविड 19 के 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1034 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 10321 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 24, अरवल में 8, औरंगाबाद में 7, बांका में 22, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 25, भोजपुर में 72, बक्सर में 13, दरभंगा में 26, ईस्ट चंपारण में 27, गया में 32, गोपालगंज में 40, जमुई में 17, जहानाबाद में 1, कैमूर में 0, कटिहार में 6, खगड़िया में 6, किशनगंज में 11, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 40, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 6, नवादा में 7, पटना में 134, पूर्णिया में 53, रोहतास में 45, सहरसा में 74, समस्तीपुर में 109, सारण में 41, शेखपुरा में 1, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 6, सुपौल में 10, वैशाली में 8, वेस्ट चंपारण में 27 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 9 अन्य सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 82,108 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 3,308 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में धूप निकलने के साथ ही लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब ठंड से निजात मिलेगा, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से प्रदेश में बारिश की स्थिति तो बनती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति बने रहने की उम्मीद है। बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक
बना हुआ है। इसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इधर बुधवार से ठंड और भी बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि रात के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास होगा। किलकारी की 13 बेटियों ने राजपथ पर दिखाई बिहार की संस्कृति। किलकारी की बेटियों ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही हाल ही में दिल्ली के राजपथ पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार की तरफ से किलकारी की 13 बेटियों ने लोक नृत्य सामा चकेवा की प्रस्तुति दी। किलकारी के नृत्य शिक्षक अमरनाथ प्रसाद ने बताया है कि राजपथ पर झांकी निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के 36 राज्यों की टीम शामिल हुई। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सभी टीमों के साथ मिलकर एक म्यूजिक कोलाज बनाया गया था, जिसमें 3 ग्रुप फोक, फ्यूजन और शास्त्रीय नृत्य के थे। ये पूरा कार्यक्रम 12 मिनट का था। हर ग्रुप को 3-3 मिनट मिले हैं। इसके बाद अंतिम 3 मिनट में ग्रैंड फिनाले हुआ। दुर्लभ जेनेटिक बीमारी पर पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। दुर्लभ जेनेटिक बीमारी में असमर्थ मरीजों के इलाज और दवाएं उपलब्ध करवाने में संबंधित जनहित मामलों पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत को हलफनामा देकर जवाब देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजू यादव की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले में प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत हलफनामा के साथ जवाब दें। इस दौरान याचिकाकर्ता के तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बीमारी ड्यूशेन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से ग्रस्त है। राज्य के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत विभिन्न जिलों में इन रोगियों की कुल संख्या 33 पर पहुंच गई है। इसके लिए इनके पास फिलहाल संसाधन मौजूद नहीं है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया आपत्ति दर्ज कराने का फॉर्मेट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं के नाराज अभ्यर्थियों के लिए अपनी आपत्ति और शिकायत दर्ज कराने का फॉर्मेट जारी कर दिया है। इसके तहत अभ्यर्थी तय फॉर्मेट में अपनी शिकायत लिखकर rrbcommittee@railnet.gov.in या फिर rrbcdg@railnet.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी चंडीगढ़ ने अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत, सुझाव और चिंताएं व्यक्त करने का भी मौका दिया है। आपत्ति दर्ज कराते समय अभ्यर्थियों को तय फॉर्मेट में अपना नाम, सीईएन नंबर, किसी आरआरबी में अप्लाई किया है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनटीपीसी सीबीटी 1 का स्कोर और अंत में अपना शिकायत लिखना होगा। अभ्यर्थी व्यक्तिगत तौर पर या फिर ईमेल भेजकर दोनों में से किसी भी तरह 16 फरवरी 2022 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। एक ऐसा गांव जहां हर युवा देखता है देश सेवा का सपना। क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिहार का युवा वहां पर बिहार का मान बढ़ाने के लिए जरूर मौजूद होता है। हालांकि आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर हर एक युवा देश की सेवा में लगा हुआ है। ये गांव है पकड़ी बरावा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक डुमराव गांव में। ये गांव प्रखंड ही नहीं, जिले में भी चर्चित गांव है। यहां के हर चौथे पांचवें घर से एक एक बेटे देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। सेना की नौकरी यहां के युवाओं की पहली पसंद है। देश में सेना की जहां पर भी भर्ती हो, इस गांव के युवाओं का दबदबा होता है। कुछ का चयन लगभग पक्का होता है। युवाओं के जोश के चलते यह गांव एक तरह से सैनिक गांव के रूप में भी जाना जाने लगा है। अब तक यहां से लगभग 200 से अधिक युवा देश भर में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में लगे हुए हैं। आरआरबी ग्रुप डी की नहीं होगी 2 परीक्षा। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बाद बिहार में शुरू हुए हंगामे के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुझे आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की 2 के बजाय एक ही परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा। सड़क निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। बिहार में सड़क निर्माण की योजनाओं का काम तेजी से पूरा करने को लेकर के बीते दिन निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के क्रम में उक्त आदेश दिया है, जिसके तहत उन्होंने विशेष रूप से 7 निश्चय 2 के तहत दी गई सुलभ संपर्क का योजना की गति बढ़ाने पर जोर दिया है। निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में 70 घाट पुल, बख्तियारपुर ताजपुर पुल, जेपी गंगापथ, मीठापुर करबिघिया फ्लाईओवर के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त बिहटा सरमेरा रोड, अटल पथ फेज 2, मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड, कच्ची दरगाह, बिदुपुर पुल के अपडेट से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।
स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी। कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण देश भर के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब कोविड-19 के मामलों में जारी उतार चढ़ाव के बीच स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि इन्हें कब खोला जाएगा इसका फैसला राज्यों को ही करना होगा, लेकिन इससे पहले छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी राज्यों से 15 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन की जानकारी भी मांगी गई है। शिक्षा मंत्रालय की माने तो कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। जिस तरह से सभी राज्यों में बाजार और दुकान खुल गई है, ऐसे में स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। निबंध प्रतियोगिता के विजेता को मिला 10,000 का पुरस्कार। बिहार सरकार की तरफ से लगभग 16 साल तक बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल रहे स्वर्गीय राम बालक महतो की याद में 29 अक्टूबर से 16 जनवरी 2022 तक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका भारत के संविधान में सुधार करने की जरूरत है इस पर ही प्रतियोगिता का आयोजन राम बालक फाउंडेशन की तरफ से किया गया था, जिसमें देशभर के 600 से भी अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद स्थित और नालसर यूनिवर्सिटी आल्फो के विद्यार्थी समेत अन्य स्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। विजेता घोषित हुए विद्यार्थियों को 10,000 रूपये और रनर अप रहे विद्यार्थी को 5,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की सरकार ने की अपील। एनटीपीसी रिजल्ट के मामले में विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अब विपक्ष के बाद सरकार की तरफ से भी मामले को वापस लिए जाने की मांग होने लगी है। पहले सुशील कुमार मोदी ने सभी पुलिसकर्मियों से छात्रों के साथ नरमी से पेश आने की अपील की थी, वहीं अब इस मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी खान सर और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को अविलंब वापस कराने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा, खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार और देशभर में गरीब और होनहार युवाओं के भविष्य का निर्माण करते हैं, रेलवे पुलिस का भविष्य निर्माण करते हैं। रेलवे पुलिस इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को अविलंब इसीलिए वापस करे। उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत योजना की गाइडलाइन में किए गए बदलाव का बिहार पर पड़ेगा असर। हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत योजना की गाइडलाइन में बदलाव कर दिया गया है, जिसका असर सभी राज्यों पर पड़ेगा ही, साथ ही बिहार भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। यही कारण है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर इसकी तैयारी करने के लिए कहा है। साथ ही साथ 5,000 तक की आबादी वाले पंचायत के प्रति व्यक्ति 280 रूपये, जबकि उससे अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए प्रति व्यक्ति 660 रूपये के हिसाब से बजट बनाने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी आपको बता दें, सरकार का लक्ष्य यह है कि रसोई और स्नान घर से निकलने वाले जल को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। कृषि या ग्रामीण उद्योग में इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को बदलाव करने की जरूरत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते कई दिनों से लगातार सुनने में आ रही है। जदयू की तरफ से भी लगातार इसकी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। रघुराम राजन कमेटी ने जो सुझाव दिया उसके अनुसार यह संभव नहीं है, लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का कुछ और ही मानना है। बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि रघुराम राजन कमेटी ने जो सुझाव दिया था ऐसा नहीं है कि वो अंतिम सत्य है। जो मानक है विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार को उसमें बदलाव करना चाहिए। बिहार भी पंजाब और अन्य विकसित राज्यों की तरह खड़ा होना चाहिए। हमारा यह अभियान लगातार चलता रहा है और आगे भी चलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। विधान परिषद चुनाव में नहीं बनी सहमति तो फिर उपचुनाव वाला हाल होगा। बिहार में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। हालांकि इन सबके बीच बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस के विधानसभा के नेता अजीत शर्मा ने राजद को चेतावनी दे दी है कि यदि इस चुनाव में महागठबंधन एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ता है तो महागठबंधन का हाल उपचुनाव वाला हो जाएगा। एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ा तो महागठबंधन का हाल उपचुनाव में देखने को जरूर मिलेगा और सभी सीट पर हार जाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी जी से अपील करता हूं कि वो इस पर ध्यान दे और एक साथ होकर चुनाव लड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी, एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर अजीत शर्मा ने एक फॉर्मूला भी साझा किया है। यूपी चुनाव में जदयू ने जीत के लिए तैयार किया खाका। उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, इसको लेकर बिहार में भी अभी से ही तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच जदयू ने भी अब अपने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपना खाका तैयार कर लिया है। अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप देने पर
काम शुरू कर दिया है। हालांकि पहले यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे, कई सभाओं के बारे में बात कही जा रही थी। हालांकि अब यह बात सामने आई है कि नीतीश यूपी विधानसभा में जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार को नहीं जाएंगे, वो पटना से ही वर्चुअल मोड में यूपी में अपने दल के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन किसी न किसी जिले से ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं। इसी बीच विपक्ष की तरफ से सरकार पर घेराव भी लगातार जारी है, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव अब कांग्रेस ने किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी है, जिसके तहत नालंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेसी नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक जिले में जहरीली शराब पीने से लोग जान गंवा रहे हैं, वैसे में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को अपना पद छोड़ देना चाहिए। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार गरीबों पर जुल्म ढा रही है, जिसके लिए कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को शाहनवाज हुसैन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके बाद से ही उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसके तहत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीते दिन संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि श्री अंसारी के उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उनके व्यवहार विवादित रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके लिए देश में कभी उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसे में श्री अंसारी का ताजा बयान बर्दाश्त योग्य नहीं है और विदेशों में उनका ऐसा आचरण शर्मसार करने वाला है। 2023 तक 10 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का है लक्ष्य। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह ने गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सम्मेलन में स्मार्ट मीटरिंग पर बोलते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 2023 तक देशभर में 10 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर भविष्य की मांग है, क्योंकि उपभोक्ता दिन प्रतिदिन बिजली बिल में आने वाली समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी किसी को 3-4 महीने का बिल एक साथ आ जाता है, उससे बिल भरने में परेशानी होती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से उपभोक्ता के पास जितना पैसा होगा तुरंत रिचार्ज कर अपना बिल भर पाएंगे, इससे उनकी बिजली कटने की नौबत भी नहीं आएगी। इसके साथ ही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बिल जारी करने में जो समस्या आती है उससे छुटकारा मिलेगा और पैसे कलेक्शन करने में जो घाटा होता है उसे कम करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की 1835 में शुरुआत हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में 26 अभियुक्तों को 1998 में सजा दी गई थी। भारत में पहली बार 28 जनवरी साल 1999 को संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ था। भारत ने 28 जनवरी साल 2000 को अंडर 19 के युवा वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया था। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन्मे 1865 में उनका लाला लजपत रॉय का जन्म हुआ था। भारतीय राजनेता प्रताप सिंह राणा का जन्म 28 जनवरी 1939 को हुआ था। 2017 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का निधन हुआ था। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केएल राहुल के कप्तान बनने पर पूर्व क्रिकेटर ने उठाया सवाल। भारत की टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में केएल राहुल की कप्तानी पर सवाल उठने चाहिए, ऐसा ही कुछ कहना है भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने केएल राहुल को लेकर कहा है कि कोई भी एक खिलाड़ी को कप्तानी के लिए तैयार नहीं कर सकता, या तो आप पैदाइशी लीडर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने स्पोर्ट्स कीड़ा को दिए बयान में कहा कि आपने राहुल में कप्तान के रूप में क्या देखा अचानक। वो कह रहे हैं कि वो उन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक कप्तान को कैसे तैयार कर सकते हैं। बढ़ने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की ताकत। जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की ताकत बढ़ने वाली है। दरअसल एक फीचर ट्रैकिंग साइट ने बताया है कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसमें ग्रुप एडमिन ग्रुप में किसी भी मेंबर को मैसेज डिलीट करने में सक्षम होगा। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में बड़े स्तर पर यूज किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक मॉडरेशन फीचर पर काम कर रहा है जो प्रतिद्वंदी ऐप टेलीग्राम से मिलता जुलता है, जो इसी तरह ग्रुप मेंबर्स के मैसेजेस को हटाने की अनुमति देता है। व्हाट्सएप ने अभी तक इस तरह के एक फीचर को डिटेल की घोषणा नहीं की है, जिसके एंड्रॉयड और iOS के लिए WhatsApp के अपकमिंग बीटा वर्जन में आने की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, सुमन कुमार, राखी देवी, चंदन यादव, अवधेश कुमार, सुरेंद्र शर्मा, रामप्रसाद सैनी, पूजा कुमारी, ऋषिकेश कुमार, शशिकांत कुमार, अमृता कुशवाहा, रमेश मंडल, संदीप कुमार, रामबाबू सैनी, शंकर मुखिया, उत्तम पासवान, मोहन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं
के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का आप समर्थन करते हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।